कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला सिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। जिसकी जरूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे। दिल्ली से लौटे आपने, कल तावड़े साहब का ट्वीट आया आपका, क्या सब कुछ गिला शिकवा दूर हो गया, संतुष्ट हैं जो भी ऑफर मिला? देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला सिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वह एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी होता चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई, और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही हैं, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से, सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन अगर एनडीए से बाहर जाते हैं पशुपति कुमार पारस, तो क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? नहीं, देखिए, अब जो हैं, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी जरूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है।